Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. गाइस कल रात के ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट ये लगता है ना कि माँ बने हुए मुझे 3 साल हो गए और कितनी जल्दी जल्दी समय बीत गया पता ही नहीं चला। सो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वेलकम बैक टू माई चैनल सुमित ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है धनवी का 3रा जन्मदिन और हम सबसे पहले सुबह मैं उठी हूँ। धनवी और मैंने घर पे पूजा की है नहा वगा के, उसके बाद अभी मैं धनवी को लेके जा रहे हैं मंदिर, थोड़ा मंदिर में आशीर्वाद दिलाएं। भगवान के नाम से शुरू करते हैं आज का दिन धनवी का, और वहाँ पे आशीर्वाद वगैरह दिलाने के बाद थोड़ा सा धनवी को लेके जाएंगे, धनवी और बाबू को मॉल में थोड़ा सा दोनों जने खेल लेंगे। बाबू भी उठे नहीं हैं, वो सो रहे हैं, वरना मंदिर भी लेके जाते तो तब तक हम शायद मंदिर से आए वो उठ जाए सो के। कल रात को बहुत लेट हो गया था हम लोग को सोते सोते, क्योंकि बच्चे सो ही नहीं रहे थे तो इसी चक्कर में क्या। सो गए सबसे पहले हम लोग, हमारे घर के पास कौन टेम्पल है तो हम लोग वहाँ पे गए, धनवी मैं और हम सब लोग, और वहाँ पे पूजा की करने के लिए सोचा कि भगवान से दर्शन करके उसके बाद आज का दिन का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अपने जो स्लीपर वगैरह है वो यहाँ पे निकाल के टोकन लिया। धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी मतलब बहुत ऐसा होता है ना भयंकर वाली, वैसी वाली थी, पैर इतने जल रहे थे कि यहाँ से मंदिर तक जाने में हालत एकदम ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर गए और वहाँ पे एक अलग ही शांति मंदिर में ना, पता नहीं क्यों, अच्छा मंदिर में किसके किसके साथ ऐसा होता है कि मंदिर में बैठते ही वहाँ जाते ही आंखों से आंसू, बहुत सारी चीज़ें अगर दिमाग में चलने लगती है तो गिरने लग जाता है, मेरे साथ ऐसा होता है। कि फिर हमने यहाँ पे प्रसाद लिया, गर्मी की वजह से थोड़ा सा मेरा मुँह आप देख सकते हो बना हुआ है क्योंकि गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, और गर्मी लगती है तो मेरी आईब्रोज ऐसे उलटती नहीं है, ऐसे झुकी सी रहती है। फिर हमने यहाँ से प्रसाद लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, और हम लोग इतने सही समय पे गए थे कि हम बिल्कुल आरती के समय पे पहुँचे थे। 1:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन जब हम पहुँचे तो उस टाइम आरती एकदम शुरू ही हुई थी, और शुरू की हमें आरती जो है उसका दर्शन हुआ, हमने आरती किया सबके साथ। और कैसा लग रहा है मंदिर आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, एंड ये कहाँ का है ये भी बताइएगा, और आप यहाँ पर आए हैं ये भी बताइएगा। उसके बाद जैसे ही मंदिर में एंट्री हुए वहाँ पर हो रही थी आरती, सरस्वती का गीत गाया।
जब हम आरती के समय में पहुंच गए थे तो फिर हम लोग आरती पूरी देखी, हम लोग वहाँ पे बैठे, उसके बाद फिर हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। किसके लिए आया है? नानी ने, नानू ने तो बहुत मेहनत किया है दीदी की। नानू नानी को थैंक यू बोलो। थैंक यू नानू, थैंक यू नानी, मेरे लिए शॉपिंग करके लाए। वाह ये तो बहुत अच्छा है, हम यहाँ बेटी का तो खुश सारा आशीर्वाद मिलेगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बहुत सारी दीदी के पास, आंटी के पास जा रहे हो बर्थडे मनाने? मंदिर से आ गए थे घर, थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या, मतलब केक वगैरह ऑर्डर करना था वो सब किया और अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे मतलब मैं बहुत समय से सोचा था जाने के लिए और अंदर से अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि एकदम से जब देखूंगी ना तो मुझे पता है अंदर से बहुत बहुत अजीब सा होगा। लेकिन मेरा बहुत मन था, बहुत मन था कि धन्वी का एक बर्थडे तो इन सब के साथ ज़रूर मैं सेलिब्रेट करूं और धन्वी या अपनी एनिवर्सरी कुछ भी, लेकिन बहुत समय से हो नहीं पा रहा था। और हमारे साथ ये है ना कि हमें था कि थोड़ा जो कोई भी चीज़ करे थोड़े अच्छे से करे, अदरवाइज़ ना करे, ऐसा वाला था। तो इस बार जैसा हमने प्लान किया था वो चीज़ सोची है करने की। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक यू मम्मी को, पापा को, जिन्होंने इस चीज़ में सपोर्ट किया, दोनों मम्मी पापा को। क्योंकि कल जाके, कल कह रही हूँ, आज जाके मम्मी ने, क्योंकि मैंने कल उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे सोच रहे हैं, आज वो मार्केट जाकर उन्होंने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ खरीदा और एक औरत के लिए मार्केट से जाके इतनी सारी बल्क, इतनी बल्क में शॉपिंग करना मुश्किल होता है, तो मम्मी ने किया। तो उसके लिए मतलब मम्मी को है भाई, उनको अपनी नातिन से एक अलग ही है मम्मी को। धन्वी के लिए तो वो कुछ भी करने को रेडी रहती हैं, या मेरे लिए विक्की बल्कि चिढ़ाता भी है कि निक्की का एक फ़ोन आ गया कि ये करना है तो कूद के इनकी तबीयत ठीक हो जाती है, बाकी मैं कुछ कह दूँ तो इनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो अभी हम चलते हैं, बाकी सारी बातें वहाँ पहुँच के या रास्ते में करेंगे आप लोगों से। बस प्यार देते रहिए। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आपका केक हिलाएंगे तो गिर जाएगा। क्या गेट लगा? नहीं गेट वाला लगा। धन्वी आपका केक देखो कितना बड़ा है, दिखा? देखो आओ आप। धन्वी बाबू की केसिया ठीक कर दी पापा जी? ठीक है ना, कोई लेवे नहीं ये झरनी है ना, वही गंजार के आई रहनी आग बस है। आई नाड़ा अंदर करो धन्वी का बर्थडे है। बेचारी को कितना गर्मी लग रहा होगा फ्रॉक पहनो। ने ना दो दिन पहले ही यहाँ पे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ ले लिया था, जो जो हमें चीज़ें करनी थी उस सारी चीज़ों की हमने जो बुकिंग है वो पहले से ही करा ली थी। और यहाँ पे मेरे पापा के जस्ट ऑफिस के पास ही है तो पापा हैं वो भी आ गए थे हमारे साथ इस चीज़ में शामिल होने के लिए। ये थोड़ा लंबा दिख रहा है ना? मामू नहीं
गाइज आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरा ना मतलब ये था कि इस बार 800K का सेलिब्रेशन ना हम लोग खूब धूमधाम से अच्छे से करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है जो ये हमने किया। हमारी धनवी का बर्थडे भी, मेरा 800K का सेलिब्रेशन भी और नानी जी का भी, सारी चीज़ें हमने एक साथ इस तरीके से की, हमें बहुत सुकून बहुत अच्छा लगा। और ये सारे कपड़े हैं जो हम लोग इन सभी के लिए लेके आए थे। यहाँ पर 300+ और सिर्फ लेडीज़ हैं, और इनकी स्टोरी सुन सुन के ना मतलब हम लोग आगे आप देखना सब इतना रोए हैं। इसमें कुर्ती पजामी पूरा कुर्ता सेट जो चुन्नी वगैरह के साथ, ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे सभी के लिए हमने ये कपड़े लिए थे। साथ में यहाँ पे आप खाने का भी कर सकते हो, लेकिन जो खाना है वो आप बाहर से कुछ भी ला के इनको नहीं दे सकते हो। यहाँ पर ही आपको प्रॉपर जो बुकिंग है ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारी आपको यहीं से करानी होती है और आप इनको खिला सकते हो। बट बाहर से आप चाहो कि कुछ भी लेके आके खिलाओ तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो हमने इस यहाँ के रूल के हिसाब से ही सारी चीज़ें की, एंड हमें इतना सुकून मिला। जितने लोग थे सबको कपड़े दिए और सबके साथ केक कटिंग किया, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जब जब अब मेरे 100,000 के कंप्लीट होंगे तब तब मैं पहले हमेशा गोल्ड लेती थी, लेकिन अब मैं गोल्ड नहीं लूँगी, मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगी सबके साथ। सबको एक साथ नहीं बुलाया था इन्होंने, क्योंकि भीड़ हो जाती और यहाँ पे थोड़े से कुछ होता है ना 20% थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी थे, तो इसी वजह से भी इन्होंने एक एक करके ही सबको बुलाया था, थोड़े थोड़े लोगों को करके। और ये जो आपको लेडी दिख रही है ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, ये दो बहनें हैं और इनकी फैमिली ने इनको घर से निकाल दिया। यहाँ पे इन सबकी स्टोरी सुन के ना एकदम दिल में इतना रोना आ रहा था, किसी के माँ बाप ने किसी को घर से निकाल दिया है, किसी के बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख भरी स्टोरी थी। किसी के बच्चों को छीन के उनको निकाल दिया है, कोई बोल नहीं पा रहे थे, कोई सुन नहीं पा रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे लोग यहाँ थे कि उनको देख के दया आ रही थी। पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत होती है कि घर से बाहर बच्चे अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं, और मतलब कुछ तो इतने एजुकेटेड थे कि उनसे उनकी पूरी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें लेके उसके बाद उनको घर से निकाल दिया गया है।
कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर कोई है ही नहीं जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनको भी यहाँ पे ला के रखा गया है। तो यहाँ पे अभी इस वाले संस्था में 300+ लोग हैं, और जिसमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली थोड़े से वो हैं, तो उनको नहीं बुलाया गया था, उनको नीचे नहीं बुलाया गया था क्योंकि बच्चे थे, धनवी वगैरह, तो थोड़ा सा इन लोगों को वो होता, तो इसीलिए इनको सबको बुलाया गया था। एंड सब इतना खुश हो गए थे कपड़े लेके, इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद हमने केक कटिंग किया, फिर सब ने खाना वगैरह सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। बस आप लोग आशीर्वाद देना कि हम लोग ज़िंदगी में ऐसे लोगों की खूब सारी मदद करें, और जितना भगवान हमें दे उतना हम सेवा कर पाए सभी का, और अपनी कमाई में से कुछ परसेंट अब हम इनके लिए ज़रूर निकालेंगे और सेवा करेंगे। जैसे ही हम अंदर आए ना, तो जिस तरीके से हेलो सब कह रहे थे, उस देख के सबकी आंखों में आंसू है। आप देखो, मम्मी पापा मैं ये इन सबको देख के इतना रोना आ रहा था कि हम अपने ही दुख से परेशान हैं कि हम ये दुखी है, हमें ये दुखी है। दुख क्या कहते हैं, यहाँ पे आने के बाद समझ में आया था कि असल में दुखी कौन है। ये मतलब अपनी फैमिली के लिए कुछ लोग तो यहाँ पे इतना तड़प तड़प के रो रहे थे कि वो जाना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली उनको नहीं रखना चाहती है, सीधा मना कर देते हैं, तो वो लोग यहाँ रहते हैं। Happy birthday to you.
इनको देखो, देख के कितना रोना आ रहा था। सब लोग कैसे डांस कर रहे थे, सब लोग ऐसे फूल, मतलब सब कुछ बहुत, कितना भी इंसान कुछ भी कर लेना, कितने भी ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन कर ले, बट जो आज यहाँ सुकून, शांति, खुशी मिली है ना, वो मुझे लगता है कि आज तक हमें नहीं मिली है लाइफ में, जो यहाँ मिली है। इनके एक एक आंसू देख के ना एकदम कलेजा फट जा रहा था, जिस तरीके से रो रहे थे। ये हैं, ये अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हैं बट नहीं वहाँ पे वो कर रहे हैं, इसकी वजह से पापा भाई करके इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि इनका देख के कलेजा फट गया, कि मतलब क्या ही बोला जाए। हम सब लोग इतना रो रहे थे इन सबको देख के। उसके बाद सबको रोता देख मेरे आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, मुझे तो इतना रोना आ रहा था। चाहे वो मम्मी पापा सब लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हमने ये एक छोटा छोटा चॉकलेट भी सबको दे दिया, और जो भी खाना है वो सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई बाहर का आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये इनकी जो यहाँ पे जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हमने फॉलो किया था कि आप यहाँ पे पैसे दे दीजिए कि आपको कितने टाइम का क्या खाना कैसे रखना है, उसके हिसाब से ये खाना वगैरह सारी चीज़ें कर देंगे। बाकी आप अपने तरफ से कुछ नहीं, केक भी था तो मतलब वो भी पूरा इनके उसमें था कि कैसे करना है, क्योंकि हम ये लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं हम लोगों को बाहर का किसी का भी, तो इसी हिसाब से हमने किया था। बस कपड़े थे कि उसमें कुछ खाने पीने का नहीं है, तो वो हम बाहर से ला के दे सकते हैं, अदरवाइज़ सारी चीज़ें आप यहाँ पे पैसे वगैरह दे दो। आपके सामने ही ये खाना वाना सब कुछ खिलाएंगे। तो एक तो आज हमने आज का वो किया, और एक आज हमने 25 मतलब सैटरडे को हम जाके सब लोग साथ में और खाना और खिलाएंगे, क्योंकि आज हम लोग जब दोपहर में गए थे तो जो दोपहर की बुकिंग है वो ऑलरेडी किसी और ने ले ली थी, तो 15 तारीख की, तो इसीलिए आज हम जो दोपहर का खाना है वो नहीं खिला पाए। बाकी हमने जो टाइम का है उसका हमने पे कर दिया था, और 25 का हमने पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें की है, पूरे दिन का, सुबह से लेकर रात तक का हम वो पूरा खाना, सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से इनके लिए खिलाएंगे। और यहाँ पे ये आशीर्वाद दे रही थी धनवी को, ये बता रही थी कि इनके दो बच्चे थे जो इनकी फैमिली ने ले लिया, और मतलब ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती हैं, मतलब अलग सी स्टोरी थी, अजीब सी स्टोरी, अजीब सी तो क्या बोलूँगी, मतलब एकदम दिल दहलाने वाली स्टोरीज थी। एक तो यहाँ पे थी वो बहुत ही मतलब वो थी एडवोकेट थी, उनके पास प्रॉपर्टी बहुत सारी चीज़ें थी, वो साइड में चुपचाप अकेली बैठी हुई थी। अभी मैं जाऊँगी उनसे मिलने, आप देखना। तो उनको उनके बेटे बहू ने घर से बाहर निकाल दिया सारी चीज़ें लेके, और ये इतना रो रही थी अपने बच्चे को याद कर करके। तो हमने बोला आप धनवी को आशीर्वाद दीजिए।
अभी मिलेगा ना घूम रहा कहीं भुला गई कहा फोन ऐसा बर्थडे तो भगवान जिंदगी भर मनवाते रहे मम्मी कितना सुकून मिला ना सुकून मिला और प्लस बाप रे कितना आंसू ही नहीं रुक रहा था ना सबको देख के वो लड़की जो जैसे रोने लगी तब तो और ज्यादा हो गया था बाबू बर्थडे अच्छे लगा नहीं बाद में बाबू ठीक हो गया है ना बाबू बाद में नहीं देवे थे रवीना इतना रो रही थी हां रवीना याद है क्या बेटा क्यों रो रही थी अच्छे क्यों